कोई डाउट नहीं है कि जो बजट रखा गया है उसके चेहरे पर मजा आइए। असल में इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये वही भाषा है जो सरकार के विशेष कारिंदे सड़कों पर बोल रहे हैं, झंडे ले ले करके बोल रहे हैं और बाकी तो सब चल ही रहा है। क्या लग रहा है ये सरकार की जो किसान और जॉब देने की बात जो थी ये सारी सब ढाक के तीन पात? देखिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये बजट कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये काली चमड़ी वालों की बर्बादी का दस्तावेज है। इस बात को गौर करिए, जब तक ये सरकार रहेगी किसान और मजदूर कभी खुशहाल हो नहीं सकता। खुशहाल कौन होंगे? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़े सरमाएदार हैं, बड़े पूंजीपति हैं, और जो बजट है वो जो कॉरपोरेट सेक्टर है स्पेशली जिसका संबंध बाहर से है उनकी ग्रोथ का तो दावा करता है, वादा भी करता है, लेकिन ये आम हिंदुस्तानियों की ग्रोथ का न वादा करता है न दावा करता है। और इनकी जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो एजेंडा है सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है वो उसे कन्फर्म कर रहा। इतने रखो, ज़्यादा नहीं।